छात्र छात्राओं में छुपी प्रतिभा को निखारने सुराना बीएड कॉलेज में 2 दिवसीय आर्ट एंड कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन आए अतिथियों ने लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का गुरुवार को शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बीएड के छात्र छात्राओं को अपने अंदर छिपी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर दिया गया। इस दौरान छात्राओं द्वारा बनाए गए आर्ट और क्राफ्ट की कला को सभी ने सराहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची रेविका बेदी ने एग्जीबिशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्रों को परिश्रम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। छात्रों के द्वारा किए गए कार्य की उन्होंने सराहना की। इस दौरान सेठ रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पूजा मल्होत्रा, रानी शुक्ला एवं श्रीमती दुर्गा शुक्ला उपस्थित थे, जिन्होंने छात्राओं द्वारा बनाए गए हस्तकला की सराहना की। साथ ही उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन अर्चना षडंगी एवं प्राचार्य डॉक्टर उमाकांत सिंह के निर्देशन में किया गया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो है ये अभी के लिए नहीं है, ये तो उसकी उम्र भर काम आने वाली प्रतिभा है जो मैम लोगों ने उनको ट्रेन किया है। और जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि ट्रेनिंग इतनी बढ़िया दी गई है कि ऐसा लग रहा है कि हर बच्चा एक आर्टिस्ट है। यानी इतने सुंदर कलाकृतियाँ हैं, इतने सुंदर ये दीपकों को सजाया गया है। मतलब जो वेस्ट पेपर्स हैं उन आउट ऑफ क्या बोलते हैं उसमें वेस्ट से इतना अच्छा, हाँ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो किया गया है वो इतना बढ़िया है, देखकर ऐसा लग रहा है कि, और मैं ये नहीं कह सकती कि ये सिर्फ इनको यहाँ पर कोर्स में ही काम आने वाला है, ये जीवन भर इनकी ये क्रिएटिविटी जो है इनको मदद करेगी कुछ ना कुछ अलग करने के लिए। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ ये इन बच्चों के कार्यों से। और प्लस बिना टीचर के तो कुछ हो नहीं सकता, गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय दुर्ग में 2 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन लगा है। इस एग्जीबिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो कई बार जो अनुपयोगी वस्तुएं हैं उनको हम उपयोग में कैसे ला सकते हैं, और भविष्य में ये जो शिक्षक छात्र प्राध्यापक हैं वो अपने विद्यार्थियों को भी सिखा सकते हैं, साथ ही साथ ये जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं इनको इस जो इनको कला सिखाई गई है जैसे डॉट पेंटिंग, पेपर बैग बनाना, एनवलप बनाना और मधुबनी आर्ट, कालीघाट आर्ट, ये जो सारी चीज़ें सिखाई गई है इनको एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी हम ले सकते हैं। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में आज प्रथम दिन में रिपिका बेदी मैम जो हैं वो हमारी मुख्य अतिथि हैं। कल जो हमारे यहाँ बिलाई महिला महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम संध्या मदन मोहन मैडम जो हैं वो आएंगी, और इसका जो मुख्य हमारे बीएड के छात्र प्राध्यापक मुख्य कार्य उन्हीं का है और उनके द्वारा ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे बीएड के तृतीय सेमेस्टर, तो हमारे इसमें बच्चों के लिए कोर्स में था उन्होंने बनाया, और प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के द्वारा ये कम्युनिटी वर्क के तहत हमने करवाया है। लेकिन हर बच्चों के अंदर हमने ये देखा कि बच्चों के अंदर इनर क्वालिटी होती है लेकिन उसको निखारने के लिए प्राध्यापकों की ज़रूरत होती है, जिसको हमने एक निखारा है। और इस तरीके से एग्जीबिशन में इन्हीं का जो बनाया हुआ आर्ट एंड क्राफ्ट जो लगा है एग्जीबिशन, इसको ये तो काबिले तारीफ़ है। वाकई में बच्चों ने मेहनत की है, मैं इसमें तो महाविद्यालय पूरा परिवार भी इसमें साथ है, और आज मैडम भी यहाँ हमारे एज ए गेस्ट आई हैं, और सुराना कॉलेज की प्राचार्य भी हमारे साथ उपस्थित है। मैं इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए तो बिल्कुल पूरा महाविद्यालय परिवार को, और हमारे सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री प्रवीण तिवारी सर जी, उनका जो एक काम करवाने का जो तरीका है कि हर चीज़ में वो हमको बोलते हैं कि आप बिल्कुल डेफिनेट इसको करवाइए, आगे आइए, और एक अलग उसमें निखार दिखना चाहिए, वो उसका क्रेडिट तो उनको जाता है। और हमारे जो महाविद्यालय के जो सचिव हैं, पूरे सोसाइटी के जो सचिव हैं इंग्लिश सर, उनका भी हमारा हमेशा सहयोग रहता है कोई भी काम में। बिल्कुल, मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देती हूँ। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।